So let's begin with business commenced with cash and bank balance. Number one, commenced business. That's it. Do what we can get. Commenced business. So when he commenced business, he brought in cash. He deposited few amount in the or some amount in the bank. So I will be having two assets in the beginning. One is cash, another is bank balance. Bank pe pada paisa bhi aapka asset hai aur current asset rehta hai. Cash is 90,000 and your bank balance is 40,000. No liability right now. So it will be 1,30,000. Clear? Liability is nil. And same amount you will be writing as capital. That is 1,30,000, 1,30,000. Then draw the double line. Every time at the end of every transaction, we draw this double line. Right? Now come to the next. Clear? Now come to the next. Number two. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ये भी याद रखना. थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज होगी, जब कभी भी हम किसी को चेक काट के देते हैं तो हमारे बैंक के अकाउंट में से पैसे कटते हैं. सो वी आर गिविंग अ चेक, योर बैंक बैलेंस विल कम डाउन. ठीक है, ऑल बीइंग एन एक्सपेंस योर कैपिटल विल कम डाउन. यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड यू आर पेइंग द एक्सपेंसेस टू दैट ट्रांसपोर्ट कंपनी. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एवरी एक्सपेंस रिड्यूस आवर कैपिटल, क्योंकि आप चेक के थ्रू पे कर रहे हो तो आपका बैंक में से पैसा क्या होगा, डिडक्ट होगा. व्हेनेवर एनी पेमेंट इज मेड इन चेक, और चेक के स्पेलिंग ये नहीं लिखने सी के वाले, चेक बैंक का जो चेक है वो ये स्पेलिंग है सी एच ई क्यू यू ई. राइट, क्या लिखेंगे? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, दैट विल रिड्यूस. एक नया पॉइंट है, चेक के थ्रू पेमेंट. ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, कुछ ना लिखा होता तो मैं कैश में से माइनस करती, अब उसने खुद लिखा है तो मैं बैंक में से माइनस करूं. राइट, हाउ मच एक्सपेंसेस? 7,500. सो बैंक का बैलेंस 7,500 से मैं कम करूंगी, कैश सेम रहेगा. कैश एज इट इज लिखी है सेकंड ट्रांजेक्शन में. 7,500 माइनस करो जल्दी से, 32,500 रह जाएगा. 32,500 तो यहाँ पे टोटल बनेगा 1,22,500. लाइबिलिटी अभी भी नल है. So capital will be 1,30,000 minus traveling expenses. I am writing T expense. आपको पूरा लिखना है traveling expense. That is 7,500. I am deducting. So again your right hand side is equal to your left hand side, and equation gets satisfied. After second transaction, your equation is again being satisfied. Come to the next. सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये भी आपको सिखाया हुआ है. सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, इट मींस दिस इज योर सैलरी आउटस्टैंडिंग. खर्चा हो गया है तो भी कैपिटल में से माइनस होना है, खर्चा अभी होने वाला है तो भी कैपिटल में से माइनस होना है, और यू आर लायबल टू पे इट इन द फ्यूचर टू योर एम्प्लॉय, सो इट विल बी योर लायबिलिटी. सैलरी ड्यू विल बी योर लायबिलिटी. राइट, सैलरी ड्यू विल बी योर लायबिलिटी. क्या लिखेंगे? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, थर्ड नंबर. Salary due but not paid. See the amount? Na cash mein farak pada na bank mein, kyunki na aapne cash mein payment kari na aapne check mein. 5,500 cash is remaining same. 90,000 bank balance ko akela bank word bhi likh sakte hain. 32,500 iska total aaj bhi 1,22,500. लाइबिलिटीज में सैलरी ड्यू लिखेंगे, चाहे आप सैलरी ड्यू वर्ड लिख दीजिए, चाहे आप सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख दीजिए, दोनों वर्ड ही ठीक है. ठीक है, सैलरी ड्यू क्योंकि बुक में ड्यू वर्ड है तो आई विल आल्सो बी राइटिंग ड्यू. 5,500 तो लाइबिलिटी आपकी 5,500 की हो गई. एक्सपेंस पेड और स्टिल टू बी पेड, बोथ इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम द कैपिटल. करिए फिर कैपिटल में से माइनस. कैपिटल आपकी चल रही है 1,22,500. 5,500 minus salary due, deducted 0,0,0. This is 7. This is 1,17,000. देखिए match कर रहा, बिल्कुल match कर रहा. 1,22,000 में से अगर 5,500 minus करेंगे, so your answer will be 1,77,000.
again your equation is matching. Now in order to do fourth point, I will be depending upon your third point. So I am not going to erase third point. First and second point I am erasing. A new point we learn when we make the payment through check. When we make the payment through check, students, then we reduce our bank balance. हम अपने bank balance को क्या करते हैं? कम करते हैं. So let's see. We reduce our bank balance whenever any payment. And similarly, when we receive any check, our bank balance, वो check bank में जमा होगा और फिर मेरे account में पैसे transfer होंगे. बहुत कम बार है कि आपको counter पे bank में जाके पैसे मिल जाएं. चेक हमेशा पहले अकाउंट में जमा होता है और फिर आपके अकाउंट में पैसे क्या होते हैं? ट्रांसफर, राइट? सो विद दैट आवर बैंक बैलेंस ऑलवेज गेट्स इंक्रीज्ड. दिस इज योर फोर्थ पॉइंट. कम टू द फोर्थ नंबर. यस, रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर. मैंने बोला था अभी फिर से चेक के थ्रू आ गई पेमेंट. आपने अगले साल का रेंट चेक में पे कर दिया चेक के थ्रू, दैट इज प्री पेड रेंट. और प्री पेड एक्सपेंसेस, एवरी प्री पेड एक्सपेंस बिकम आवर करंट एसेट. एक तो इसे एसेट में लिख देना प्री पेड रेंट, एक बैंक का बैलेंस कम कर देना, ना किसी लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना किसी कैपिटल पे फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो प्री पेड एक्सपेंसेस आपको चारों आइटम बताई हुई है पहले से. रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल का रेंट भी पे कर दिया फॉर नेक्स्ट ईयर, पे किया और चेक के थ्रू पे किया. कैश इज रिमेनिंग सेम, कैश इज 90,000. कितना रेंट पे किया है? चेक के थ्रू पे किया है तो मेरा बैंक का बैलेंस डाउन होगा भाई. सो बैंक का बैलेंस आपका चल रहा है 32,500. रेंट आपने 6,000 पे किया, आपकी बात 26,500 रह जाएगा. और प्री पेड रेंट वर्ड लिखेंगे. प्री मतलब पहले, पेड मीन्स पे कर दिया, टाइम से पहले पे कर दिया. और कितना पे किया भाई? 6,000. ओवरऑल एसेट के टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक एसेट 6,000 से कम हुआ है, दूसरा नया एसेट क्रिएट हुआ. Every prepaid expense will become your current asset. This is again the total is same. Again the liabilities are same. That is salary due, and that is in the question is 5,500. Again the capital is same. Capital mein koi change nahi. 1,17,000. That is remaining intact in my fourth transaction. Draw the double line and read the fifth point. Padhiye fifth point sabhi log. Read fifth point. Interest received. क्या आया क्या गया? कैश आया, कुछ नहीं कहा. अगर चेक के थ्रू बोला होता तो मैं बैंक में एड करती. अब कैश आया होगा और इंटरेस्ट क्योंकि मेरी इनकम है. सारी इनकम और एक्सपेंसेस कैपिटल में प्लस और माइनस होते हैं. बींग एन इनकम दैट इज टू बी एडेड टू द कैपिटल. कैश को बढ़ा दो, कैपिटल को बढ़ा दो. लिखो फिर इंटरेस्ट रिसीव. इंटरेस्ट रिसीव 12,000 interest we are receiving. मेरा कैश कितने का चल रहा है? 90,000 का. 90 में 12,000 ऐड करिए. 1,02,000. Bank balance will remain same. 26,500. Prepaid rent will remain same. That is 6,000. Overall 12,000 से total change करिए. And the total will now become 1,34,500. Salary due is same. That is 5,500. Capital में क्या करें? Capital कितनी चल रही है आपकी? 1,17,000. So interest received is your income. Income is always to be added to the capital. So write capital here. 1,17,000 plus interest. That is 12,000. So capital is now 1,29,000. देखिए match होगा, बिल्कुल होगा. 1,34,500 में से जब 5,500 minus करेंगे तो 29,000 ही बनेगा. 1,29,000 काउंटर चेक कर लो. 1,29,000 में 5,500 ऐड कर लो तो भी यही बनेगा 1,34,500. सो दिस वाज योर फिफ्थ पॉइंट. कम टू द सिक्स्थ एंड सेवेंथ. यहां तक किसी को कुछ पूछना है यू कैन सेंड योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग योर क्वेरीज. Come to the sixth point. Interest due but not received. That is accrued income. कोई भी income मिल गई है तो भी capital में add होती है, मिलने वाली है तो भी capital में ही add होती है. और एक ही हमारी asset बनेगी. क्या लिखेंगे? Interest due but not received. Accrued word लिखा? नहीं, interest due ही लिखा. Due but not received.
कैश तो नहीं बढ़ेगा ना ही बैंक बढ़ेगा क्योंकि मिला तो कुछ है नहीं. सो कैश इज रिमेनिंग सेम 1,02,000. बैंक इज रिमेनिंग सेम 26,500. प्रीपेड रेंट इज सेम दैट इज 6,000. एंड इंटरेस्ट एक्रूड जो नहीं मिला वो भी आपका एसेट है क्योंकि आने वाले टाइम में मिलेगा. इंटरेस्ट एक्रूड वर्ड लिखेंगे भाई दैट इज 8,000. सो 8,000 से टोटल चेंज करिए 1,42,500 टोटल लिखिए. सी द बोर्ड एवरी वन 1,42,500 राइट. सो सैलरी इज रिमेनिंग सेम. सैलरी इज 5,500 राइट. 5,500 इनकम मिल गई है तो भी ठीक है. अगर आप किसी इनकम के बारे में सर्चन है मिलने वाली है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता था उसे कैपिटल में ऐड करना है, उसे अपनी इनकम ही मानना है. कैपिटल आपकी चल रही है स्टूडेंट्स 1,29,000. एड एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 8,000. सो योर कैपिटल इज 1,37,000. व्हाट यू फाइंड 1,42,500 में से अगर 5,500 माइनस करेंगे फिर से कैपिटल 137 ही आएगी. अगेन योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैचिंग. सो नाउ इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू मे रेज योर हैंड. यू कैन सेंड मी योर क्वेरी इन माई चैट बॉक्स राइट. कमीशन यस स्टूडेंट सी कमीशन रिसीव इन एडवांस. सो कमीशन वी आर रिसीविंग डेफिनेटली वी आर रिसीविंग इन इट इन कैश. अगर चेक के थ्रू होता तो वो खुद बोलता रिसीव इन एडवांस. वी आर लायबल टू वर्क फॉर दैट प्रिंसिपल जिसने आपको कमीशन दी है उसके लिए आपको काम करना होगा. सो यू आर लायबल टू डू वर्क फॉर दैट. यू आर लायबल टू प्रोवाइड सर्विस फॉर दैट. सो कमीशन रिसीव इन एडवांस दैट इज 9,000. So in order to do 7th, again I am referring my 6th point. 6th point में cash 1,02,000 था. 9,000 से cash बढ़ा दीजिए और 9,000 से liability बढ़ा दीजिए. Right? So cash will now be, अब आपका answer match करेगा. 1,11,000. Bank का balance 26,500. Prepaid rent is 6,000. Interest accrued is 8,000. So overall total 9,000 से बढ़ गया. 1,42,500 आपका 6th point में total था. 9,000 add किया 1,51,500. Liability already ले ली एक चल रही है salary due. That is 5,500. यहाँ पे लिख देंगे commission received in advance. पूरा word लिखिएगा आप. Received in advance. That is 9,000. So आपकी liabilities बन गई 14,500. Minus करिए. जब 14,000 जब 500 माइनस करेंगे तो 51 रह गया. 51 में से 14 माइनस किया तो 137. मेरी 6th पॉइंट के बाद कैपिटल भी 37,000 की थी. 1,37,000 इट वाज एक्चुअली. सो अगेन योर अकाउंटिंग इक्वेशन गेट सेटिस्फाइड. नाउ यू कैन मैच योर आंसर फ्रॉम द बैक. सो ही हैज रिटन इन द आंसर कैश इज 1,11,000. ही हैज रिटन बैंक बैलेंस 26,500. He has written prepaid rent 6,000 and interest accrued is 8,000. Then he is giving you the total. So this is the way. Okay, so this is your 6th question from the back exercise. Now see 8th question from the back exercise. Archana started business with cash. So business started. First point with you. Business started. Open this page number and read the question with me, everyone. Business started. Cash is 50,000. Stock kind hai. Capital in kind hai. Stock furniture bhi in kind hai. Likhiye cash is 50,000. Stock is 25,000. Stock is 25,000. And then she brought furniture as well. That is all 15,000. Furniture 15,000. So it comes to me 90,000, right? Now, अभी तक liability nil है. 90,000 total की है, यही हमारी capital बन गई. The liability में slash लिख दीजिए और you can write nil. So same as my capital here. That is 90,000. So both the sides are matching. Draw the double line to signify the end of one transaction. Now come to the second transaction. And read it.
गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 13,000, ये कल भी करवाया था, सोल्ड फॉर रुपीज 16,000, 13,000 का सामान 16,000 में बेचा, 3,000 का क्या है प्रॉफिट है, लेकिन उधार पे बेचा, ठीक है, जब उधार पे बेचा तो डेटर्स 16,000 से आपके डेटर बढ़ जाएंगे, 13,000 से आपका स्टॉक कम होगा, जो 3,000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड कर देंगे। तीन चीजें चेंज हुई, आई एम रिपीटिंग, राइट योर डेटर्स विद रुपीज 16,000, रिड्यूस योर स्टॉक विद कॉस्ट दैट इज 13,000, एंड दैट 3,000 प्रॉफिट आई विल बी एडिंग टू द कैपिटल। सो कैश तो आएगा नहीं क्योंकि गुड्स उधार पे बेचेंगे, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज जो वो लिखता है क्वेश्चन में वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 13,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर 16,000, इसलिए लिखा था कि आपको अमाउंट बार बार बुक में से नहीं देखनी पड़े। तो लिखिए जी कैश से स्टॉक कितने से कम हो जाएगा, 25,000 का आपके पास स्टॉक था, 13 का आपने बेच दिया, 12 का रह गया, स्टॉक विल नाउ बी ऑफ 12,000, फर्नीचर विल बी 15,000 एज इट इज, एंड डेटर्स विल बी 16,000, ओवरऑल 3,000 से एसेट का टोटल बढ़ेगा स्टूडेंट्स, बाय क्योंकि अगर आपने 13 कम किया है तो बदले में 16 आपने ऐड किया है, राइट, ओवरऑल 3,000 से आपका एसेट का टोटल बढ़ेगा, एसेट विल नाउ बी ऑफ 93,000, लायबिलिटीज आर स्टिल नल, सो कैपिटल वाज 90,000, ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, प्रॉफिट ऐड करिए इसके बीच में 3,000, सो योर कैपिटल इज वंस अगेन मैचिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज 93,000, अगेन बोथ द साइड्स ऑफ योर equation is matching, asset is equal to liability because in this equation your liabilities are nil. Now come to the third point, फिर से सामान खरीदा है लेकिन उधार पे खरीदा, तो जिन बंदों से मैं उधार पे खरीदती हूँ बंदे मेरे क्रेडिटर बन जाते हैं, और जितने का आपने सामान खरीदा है उतना आप स्टॉक में एड कर देना, नो चेंज इन कैपिटल, एक लाइबिलिटी बढ़ी साथ में स्टॉक मतलब एसेट भी बढ़ा, सो वी आर बाइंग फॉर 35,000, क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड की सेल के ऊपर प्रॉफिट और लॉस होता है, परचेज पे थोड़ी ना होता है, ठीक है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान खरीदा, कैश से 50,000, स्टॉक 35,000 ऐड करिए, सो स्टॉक विल कम टू यू 47,000, राइट, फर्नीचर विल बी 15,000 सेम, debtors will sale 16,000, so students total overall 35,000 से बढ़ाइए, 5 add किया तो 98, 30 और add किया तो 128, 1,28,000 will be your total of asset now, 1,28,000, और जिनसे उधार पे खरीदा है वो मेरे creditor बन गए, 35,000 की creditors लिख दीजिए, अब जरा माइनस करके देखिए, 128 में से 28 माइनस किया तो 1,00,000 बचा, ठीक है, बाकी रह गया 7,000 और माइनस किया 1,00,000 में से तो 93,000, इट इज मैचिंग बाय ऑरल कैलकुलेशन किया करो, स्टेप वाइज यू कैन मेक द कैलकुलेशन, सो अगेन योर अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैचिंग, 1,28,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 93,000, यहां तक किसी को कुछ पूछना है यू मे आस्क, और लेट मी कंप्लीट, इफ देयर इज नो कंफ्यूजन लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट, read the next point students, depreciation on furniture, up now you know furniture aapke paas kitne ka chal raha tha, 15,000 ka, if I am not wrong that was 15,000, to aapne khud furniture mein se minus kar deni hai depreciation, so jitni bhi depreciation hai that you will deduct from the furniture, that is 2,000, so furniture aap 13,000 ka likh denge, baaki sari assets same rahegi, similarly depreciation being an expenditure, aapki capital chal rahi thi 93,000, डेप्रिसिएशन को 93,000 में से माइनस करिए, आपकी कैपिटल अब 91,000 हो जाएगी, ठीक है, तो एक आपने कैपिटल को माइनस करना है, एक आपने फर्नीचर में से माइनस करना है, देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, अ न्यू कॉन्सेप्ट, पहले इसका मीनिंग सुनिए बाकी मैं कल कंटिन्यू करवाऊंगी क्वेश्चन, बैड डेट्स का मतलब क्या है, यू हैव अ डाउट कि आपके इतने पैसे मर जाए, बैड मतलब डेट मनी हो जाए, और कौन से पैसे मरेंगे, जो आपने उधार पे सामान बेचा हो, आपने अपने डेटर्स को 16,000 का, आपके डेटर्स कितने के चल रहे हैं 16,000, 16,000 में से हमें लगता है 4,500 बैड डेट हो जाएगा,
तो बैड डेट्स आर ऑलवेज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, ये पॉइंट याद रखना, बैड डेट्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद डेटर्स एंड अबाउट दैट वी आर नॉट श्योर दैट वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव इट. तो 4500 डेटर्स में से माइनस करेंगे, डेटर्स आपके 11500 के रह जाएंगे, और क्योंकि ये लॉस है बच्चे बिछाए हमें घाटा पड़ रहा है, तो ये कैपिटल में से भी माइनस करेंगे. 4500 कैपिटल में से माइनस होगा, 4500 डेटर्स में से माइनस होगा, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. Till now, if you have any query, I am going to open my chat box and I am reading your queries, right?